पहली रजरे बधुहत्या अभियोग ढेलांग थाना अंतर्गत सिंहबरमपुर पंचायत सुरंगपुर ग्राम से घटी एभली एक अभावनीय घटना। तेरे डेलांगो पुलिस घटनास्थल पहुंची मृतदेह को जबत करने सहित मृत बोहूर शशुर और स्वामी को अटक रखी पचराउचरा करने पर प्राथमिक तदंत और बापघर लोकों अभियोग अनुजाई स्वामी सूर्यकांत बराल को डेलांगो थाना पुलिस केस नंबर 143 रे गिरफ्त कर सूचनाजोग्य जे हरिराजपुर निकट बुढ़ापड़ा ग्रामर प्रभासिनी स्वाई सान झी स्वर्गत दीप्तिमयी बराल सिंहबरमपुर पंचायतर सुरंगपुर ग्रामर नीलमणि बराल पु सूर्यकांत बराल को 5 वर्ष ते प्रेम बहुत करते तेरे सूर्यकांत पेशारे जड़े ड्राइवर थे बहर किसी दिन दाम्पत्य जीवन भलि कटि उभयों कल एक कन्या सतान जत होता तेरे यार बर्षक पर देखादेला पारिवारिक कलह अंपटे स्वर्गत दीप्तिमयी माँ प्रभासिनी स्वई अभोग अनुजाई ज्वाई सूर्यकांत प्रतिदिन बाहर मद्यपान कर घर को आसी तांको झियो दीप्तिमयी को असभ्य भाषा रे गालीगुलज करने सहित मानसिक और शारीरिक निर्यातना देउथिले एवं बापघर टंका और सुना अलंकार आणिबा अधिक जौतुक दाबी करुथिले। बापघर लोके एक जानिबा परे ज्वाई को आसबाबपत्र सुना अलंकार सहित नगद 50,000 टंका देथिले एहा सत्वे ज्वाई पूर्व भली पुणी अधिक टंका झियो को मारपीट करुथिला एथिरे मध्य ज्वाई सूर्यकांत को किछि टंका सहित एक दुईचकिया गाड़ी देते बापघर लोके किंतु गतकाली रात्रि 9:30 में दीप्तिमयी को आत्महत्या जनित मृत्यु होता शशुरघर लोके बापघर को फोन जोगे जनाइले संगे संगे बापघर लोके सुरंगपुर ग्रामस्थित झीर शाशुघरे पहुंची पारिपार्श्विक स्थित परखी झील को हत्या कर हरिराजपुर फांडी अभियोग करते मो ना प्रभासिनी स्वई दीप्तिमयी बराल बाहर जो बाड़ी मारी ज्वाई सी सब ठीक ठाक थिला मझे खाली मद पीके दु तीन मस है गाड़ी आने तुम घर पैसा आने तुम घर टंका आने आउ डिमांड देमे आम अल्प पैसा देचु फनचर जिन सुना जिनस सब देखु चेन मुदी ज्वाई कि चलिया जिनस सब देचु अल्प बहुत डिमांड देनु 20,000 टंका देलु एबे तो दी तीन मास हलानी सदाळे खाली कही तुम घर टंका आने आ गाड़ी आने टंका आने गाड़ी आने टंका आने काली तो दीपर फोन करथिला भल रात की तो बाड़े की ताकू से जुआई मार दीचे से केते थर बाड़े हमरा करे गोटे से बाहर होइतला छाड़ दीथला आकू भल पाई कि नेला आमे मंदिर रे बाहर कलु सोमनाथ मंदिर रे वर्षक रे सुविधा लागनु आमे सब फनसर जिनस देलु सांगे सांगे जिनस देइनु मो बौनी सान बौनी मोर भल पाई सर बाहर 5 वर्ष होगा झीलटा होता 4 वर्ष मद पी बाड़िया बाड़ी करे टर्चर करे एबे मास होला आसिक घरे थिला रोसिकी ताको आसिक जबरदस्ती पुणी नेकी गला काली 9 बेले फोन कला मते कला तो भौनी दौड़ी दे दीची आसे मु गला आसी भौनी मरिकी तले थुआई मु हेतु डेलांग थाना फोन करिकी आई एस सर मु जणैली फांडी रे काली एफआईआर देथिली आज भी बड़ भाई नेगी जाइछंती एफआईआर दबा मद पी की आसिकी तो बाड़िया बाड़ी करे पैसा भी मागे आमे भी देथुलु बापा चली गले कोविड रे आर बस आमे भी देथुलु ताको सब बाहर पर पर जिनस पत्र सब देलु जा जस्ती मोर बड़ अनुसार सेकेंड हैंड गाड़ी भी गोटे देली तापर कहला 70,000 आने मत फोन करेनी मो वाइफ की फोन करे कह 70,000 दियो भौणी की नहीं जाओ अनेपटे पुओ बाहर मद्यपान कर रात्रि घर को आसी स्त्री सहित कलह कर सूर्यकांत माँ स्वीकार करहर स्त्री दीप्तिमयी गत काली रात्रि बेकरे रसी लग आत्महत्या कर सूर्यकांत माँ कहते बस तो सी 18 वर्ष पड़ी जाती रात किसी आम जानू दीपर जो पुओ को फोन कला कहला आसुना तुम तो मस तरक कौटे दीटा बेल जाए ना मुझे जगुड़ी घटी घटना तो सदा एमती इंगित कुआ कि हमें 4-5 वर्ष बाहर हो गला ये कह तुमको भल पाइक आईली तुम मद आदि खाइब मुझे दौड़ा देवी आम से मुझे कहला झील तर झूठी एट सुंदर झील तु ये काल तुंडीगरा कौन कहूँ ये कही गला आईना कहून मसला କାଲି ମାସ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ପୁଅ ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ଝିଅ ବାପି ଗୋଡ଼ ଗଲା ସେଇ ଫୋନ୍ କଲା
କହିଲା ତୁମେ କେଉଁଠି ନା ମୁଁ ଜାଗୁଡ଼ି ଏଠି ନା ଆସୁନା ମଦ ତ ପିଉଥିବା ତା ଟିକେ ଗେଙ୍ଗାରିଆ କଥା ରାନ୍ଧିଛି ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆ ମା ଏତେ କଥା ଜାଣି କଳିକଜିଆ ତ ନାହିଁ ଏମିତି ଇଙ୍ଗିତିରେ କୁହାଗଲା କହିଲା ଆଜି ତ ମଦ ପକେଇକି ଯାଇଥିବ ଇଏ ସେଇଠୁ କହିଲା ତା ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କଲା କହିଲା ବୋଉ ତୁମେ ଟିକେ ଆସ ସଦାବେଳେ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛି ମଦ ଖାଇଲା ମୁଁ ତୁମ ଝିଅକୁ କ'ଣ କହୁଛି ତା ଭାଉଜ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ନା ତୁମେ ପପୁ ଖାଇକି ପଠା ବୋଉକୁ ପଠା ସିଏ ତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଦାବେଳେ ହେଉଛି ସିଏ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ଯେମିତି ତା ବୋଉ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା ସେ ତା ହାତରେ ଗୁଳେଇ ତୋଳେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେଠି କହିଲା ହଉ ତୁମେ ମଟନ୍ ଖାଇଲ ଚିକେନ୍ ଆଣ ସିଏ କେତେବେଳେ ତଳପଟକୁ ଯାଇକି ଏମିତି କାମ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ନା କଳିକ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଖବର ପାଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୀପ୍ତିମୟୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ପରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପୁରୀ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ପିପିଲିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଫତାବ ନ୍ୟୁଜ୍